हेलो चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल कोकाश किड्स। बच्चों, आज करने वाले हैं हम आपके यूनिट 8 से नंबर 2 टॉमी इज लॉस्ट ये स्टोरी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी, इसके बाद हम सब मिलकर करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस और फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स जो भी नीचे दिए गए हैं वो सारे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वाज अ बॉय, हिज नेम वाज जॉय। जॉय हैड अ डॉग, द डॉग्स नेम वॉज टॉमी। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये बॉय, इसका नाम है जॉय। उसके पास एक कुत्ता था, एक डॉग था, ये देखो ये, और उस डॉग का नाम क्या था? टॉमी। जॉय लाइक्ड टॉमी वेरी मच। जॉय सेड, कम टॉमी, लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो ये जो है जॉय, उसको अपना डॉग बहुत प्यारा था, उसको बहुत पसंद करता था। तो एक बार उसने कहा अपने टॉमी डॉग को, कम टॉमी, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो हम वॉक के लिए जाते हैं। ठीक है, इट्स वेरी हॉट, वी विल गो टू द पॉन्ड। तो जैसे ही जॉय ने टॉमी से कहा हम वॉक पे जाते हैं, वैसे ही उनको ऐसे फील हुआ कि बहुत गर्मी है, इट इज हॉट। ओके, उनको गर्मी लग रही थी, तो उन लोगों ने क्या सोचा, वी विल गो टू द पॉन्ड। तो हम लोग वो लोग ने सोचा कि हम लोग पास के पॉन्ड पे जाएंगे। पॉन्ड म्हणजे तालाब। जॉय एंड टॉमी बिगैन टू वॉक। बिगैन, व्हाट डू मीन बाय बिगैन चिल्ड्रन? टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, शुरुआत के लिए। ओके, तो वो लोगों ने चलने की शुरुआत की और वो चलने लगे। द पॉन्ड वॉज इन साइड अ फॉरेस्ट। जो पॉन्ड था, जो तालाब था, वो जंगल के अंदर था। तो वो लोग, देखो ये जंगल है ना, यहाँ से चलने लगे, अंदर जाने लगे वो लोग। सडनली टॉमी सॉ अ फॉक्स पासिंग बाय। टॉमी रैन आफ्टर द फॉक्स। सडनली मीन्स अचानक, है ना, एकदम से एक फॉक्स दिखा टॉमी को, तो टॉमी फॉक्स के पीछे भागने लगा। स्टॉप टॉमी, स्टॉप, शाउटेड जॉय। तो जॉय है, उस लड़के ने अपने डॉग टॉमी को रुकाने की बहुत कोशिश की, इसको स्टॉप स्टॉप बोलने लगा, बट टॉमी डिड नॉट स्टॉप। टॉमी तो रुका भी नहीं। जॉय रैन आफ्टर टॉमी, बट ही कुड नॉट कैच टॉमी। रैन मतलब पास्ट टेंस ऑफ रन, मतलब वो उसके पीछे भागा और टॉमी को फिर भी वो रुका नहीं पाया। ओह, टॉमी इज लॉस्ट, क्राइड जॉय। जॉय सैट ऑन अ स्टोन एंड सोब्ड। ये जॉय है ना, उसको लगा अब उसका डॉग घूम गया है। उसने क्या कहा, टॉमी इज लॉस्ट, मतलब टॉमी घूम गया है, ऐसे रोते रोते बोलने लगा। जॉय सैट ऑन अ स्टोन एंड सोब्ड। देखो जॉय है ना, ये ब्राउन कलर के स्टोन पर बैठकर ही सोब्ड, सोब्ड टू स्पीक व्हाइल यू आर क्राइंग। तो रोते रोते रड़त रड़त काय बोलू लगला, टॉमी इज गॉन एंड आई एम लॉस्ट, एम आई एम। ओके, तो बोल रहा है कि टॉमी तो चला गया, घूम गया, और मैं भी लॉस्ट हो गया हूँ, मतलब मैं भी जंगल में घूम गया हूँ, खो गया हूँ। व्हाट विल आई डू, ही क्राइड, अब मैं क्या करूंगा, वो रोने लगा। देन जॉय सॉ टॉमी कमिंग बैक सून। जैसे वो रोने लगा, वैसे उसने देखा, अरे टॉमी तो वापस आ गया जल्दी से। देखो यहाँ पे ना, टॉमी, जॉय हग्ड टॉमी एंड क्राइड इन जॉय। हग्ड मीन्स टू एम्ब्रेस, टू कडल। हग्ड मंजे मिट्टी मारनी, तो उसको हग कर कर वो रोने लगा। कैसे रोने लगा, क्राइड इन जॉय, मतलब खुशी से रोने लगा। आई एम स्टिल लॉस्ट बट आई हैव यू, ही सेड। तो जॉय ने क्या कहा, मैं तो अभी भी खोया हूँ जंगल में, पर मेरे पास तुम हो। डोंट वरी जॉय, आई नो द वे, सेड टॉमी, विल गो। एंड टॉमी एंड जॉय रीच्ड होम सेफली। डोंट वरी, डू नॉट वरी। ओके, जॉय को क्या कहा टॉमी ने कहा, डोंट वरी, मुझे रास्ता पता है, आई नो द वे, मतलब मुझे रास्ता पता है। विल गो, वी विल, ओके, वी विल का कॉन्ट्रैक्शन है विल गो। टॉमी एंड जॉय रीच्ड होम सेफली। टॉमी और जॉय सेफली अपने घर पे पहुंच गए। हेलो कोलू, हेलो, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, बोलना चाहता हूँ। बच्चों, जब टीचर रीडिंग प्रैक्टिस कराएगी ना, तब आप स्क्रीन पे मत देखना, तब आप अपनी बाल भारती की इस पेज में देखना और फिंगर्स भी रखना लाइंस पे, ठीक है? इससे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपकी आंखें भी सेफ रहेंगी। हाँ कोलू, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप टीचर जब कराएगी ना रीडिंग प्रैक्टिस, तो अच्छे से बोलना, मैं भी बोलूँगा
आप भी बोलना, खूब मजे करेंगे। ओके बाय। Olu and children, are we ready for the reading practice? Let's start. Once there was a boy. Once there was a boy. His name was Joy. His name was Joy. Joy had a dog. Joy had a dog. The dog's name was Tommy. The dog's name was Tommy. Joy liked Tommy very much. Joy liked Tommy very much. Joy said, "Come, Tommy." Joy said, "Come, Tommy. Let's go for a walk. Let's go for a walk. It is very hot. It is very hot. We will go to the pond. We will go to the pond." Joy and Tommy began to walk. Joy and Tommy began to walk. The pond was inside a forest. The pond was inside a forest. Suddenly, Tommy saw a fox. Suddenly, Tommy saw a fox passing by. Passing by. Tommy ran after the fox. Tommy ran after the fox. "Stop, Tommy, stop." "Stop, Tommy, stop," shouted Joy. Shouted Joy. But Tommy did not stop. But Tommy did not stop. Joy ran after Tommy. Joy ran after Tommy. But he could not catch Tommy. But he could not catch Tommy. "Oh, Tommy is lost. Oh, Tommy is lost," cried Joy. Cried Joy. Joy sat on a stone. Joy sat on a stone and sobbed. And sobbed. "Tommy's gone and I'm lost. Tommy's gone and I'm lost. What will I do? What will I do?" he cried. He cried. Then Joy saw Tommy. Then Joy saw Tommy. Coming back soon. Coming back soon. Joy hugged Tommy. Joy hugged Tommy. And cried in joy. And cried in joy. "I'm still lost. I'm still lost. But I have you. But I have you," he said. He said, "Don't worry, Joy. Don't worry, Joy. I know the way. I know the way," said Tommy. Said Tommy. "We'll go. We'll go." And Tommy and Joy. And Tommy and Joy reached home safely. Reached home safely. वेरी गुड कोलू एंड वेरी गुड चिल्ड्रन, आप सबने बहुत अच्छा बोला और जिन्होंने नहीं बोला वो नेक्स्ट टाइम जरूर बोलेंगे। बच्चों यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स का एक एक्सरसाइज दिया गया है, नंबर 2, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो आपको ये वर्ड्स जो दिए गए हैं एक एक करके पढ़ना है और इसके राइमिंग वर्ड्स जो है आपको ऊपर जो दी गई स्टोरी है उसमें से ढूंढना है। ओके तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज कर देना, आंसर्स कंप्लीट कर देना और फिर चेक कर लेना। ओके बच्चों आंसर्स रेडी है, प्लीज चेक कर लीजिए। नंबर 1, बॉक्स फॉक्स। नंबर 2, पॉट हॉट। नंबर 3, से वे। नंबर 4, बॉय जॉय। नंबर 5, पैन रैन। बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाऊंगी। ओके लेट्स स्टार्ट। नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज जॉय, जॉय कौन था? आंसर, जॉय वाज अ लिटिल बॉय, जॉय एक छोटा लड़का था। नंबर 2, हुम डिड जॉय लाइक वेरी मच, जॉय किसको पसंद करता था? आंसर, जॉय लाइक्ड हिज डॉग टॉमी वेरी मच, जॉय को अपना डॉग टॉमी बहुत पसंद था। नंबर 3, हुम डिड टॉमी सी कमिंग, टॉमी ने किसको आते हुए देखा? आंसर, टॉमी सॉ अ फॉक्स कमिंग, टॉमी जो डॉग था उसने फॉक्स को आते हुए देखा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड जॉय क्राई, जॉय क्यों रोया? आंसर, जॉय क्राइड बिकॉज हिज डॉग टॉमी वॉज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, जॉय इसलिए रोया था बिकॉज उससे लगा था कि टॉमी वॉज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, टॉमी जंगल में खो गया है। नंबर 5, हु डिड लेट जॉय होम, जॉय को घर तक कौन लेकर गया? आंसर, टॉमी हिज डॉग लेट जॉय होम, टॉमी जो है जो डॉग था उसका उसने जॉय को घर तक ले गया। नंबर 6, डू यू थिंक दैट जॉय एंड टॉमी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वाई?
क्या आपको ऐसा लगता है जॉय और टॉमी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं? और अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, व्हाई? ओके, तो आंसर इज यस, जॉय एंड टॉमी वर बेस्ट फ्रेंड्स एज दे वर फॉन्ड ऑफ ईच अदर. दे यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक टुगेदर एंड ऑलवेज सपोर्टेड ईच अदर इन डिफिकल्टी. जॉय और टॉमी सच्ची में बेस्ट फ्रेंड्स थे क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे. दे वर फॉन्ड ऑफ ईच अदर मतलब पसंद करते थे, और वो दोनों साथ में वॉक के लिए भी जाते थे, और जब भी जरूरत पड़ती थी तो एक दूसरे को वो सपोर्ट करते थे डिफिकल्टीज में. ओके, नंबर फोर, फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर चेक कर लेना. नंबर वन, जॉय लाइक्ड टॉमी वेरी मच. नंबर टू, जॉय एंड टॉमी बिगैन टू वॉक. नंबर फोर, टॉमी सॉ अ फॉक्स पासिंग बाय. नंबर फोर, and Tommy and Joy reached home safely. Question number 5, write a few lines on your favorite pet. के बारे में कुछ lines आपको लिखनी है. Answer, my pet's name is Bunny. Bunny is a rabbit with clean white fur and a very cute attractive face. I had found Bunny in a dustbin and since I love rabbits, I brought him home. He always rests in my lap and I carry him all the places where I go. मेरे पेट का नाम बनी है, वो एक रैबिट है, उसके शरीर पे वाइट कलर के फर है, उसका चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव आकर्षक है. मुझे मेरा बनी डस्टबिन में मिला था, मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है इसलिए मैं उसे घर पे ले आया. वो मेरे गोद में बैठता है और मैं जहाँ भी जाता हूँ उसे लेके जाता हूँ. और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है. अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.